दोस्तों यह फिल्म रेस 4 का तो सभी को बेसब्री से वेट था और यह सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस फिल्म के अनाउंसमेंट कब होगी। तो जिसकी दोस्तों यहाँ पर अब लगभग फिल्म के अनाउंसमेंट जो कि होने के लिए तैयार है और वो भी सैफ अली खान के साथ। जी आज तो यहाँ सलमान वंस अगेन हमें इस फिल्म में अब नहीं दिखेंगे और यहाँ रेस 4 में एक बार फिर से सैफ की वापसी हो रही है और इसी के साथ यहाँ पर सैफ अब कहते हुए दिखेंगे कि ये रेस जो कि उनकी थी और इस रेस के असली खिलाड़ी भी वही है। तो अब यहाँ पर पिंकुला एक्सक्लूसिव जानने को मिल रहा है कि सैफ अली खान को एक बार फिर से रेस फ्रेंचाइजी में जोड़ लिया गया है और इसके साथ इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग अब स्टार्ट हो जाएगी 2025 में। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2025 की शुरुआत में ही इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो सकती है और इसी के साथ सैफ जो कि तैयार है एक बड़ी फिल्म लाने के लिए। जस्ट यहाँ सलमान के साथ रेस 3 बनाना फिल्म के मेकर्स के लिए काफ़ी बड़ी नासमझी रही और जैसे कि यहाँ पर हमें सलमान के नाम भी एक बड़ी फ्लॉप फिल्म जुड़ती हुई दिख गई। लेकिन जैसे कि दोस्तों अब यहाँ सैफ के साथ रेस 4 आ रही है तो यह उम्मीद है कि इस फिल्म में वो बात हो जो कि हमें रेस और रेस 2 में देखने को मिली थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रेस 3 के साथ ही सैफ के किरदार पर ब्रेक लगा दिया गया था तो इस कारण से रेस 4 जिसमें कि फिलहाल तो वो बात नहीं रहेगी, लेकिन यह उम्मीद है कि हम मेकर्स जो कि कोई ना कोई दाव खेलेंगे जिसके साथ ही रेस 4 जिसे कि देख लगे कि इस फ्रेंचाइजी में सलमान कभी थे ही नहीं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।